कोविड-19 ने कई जिंदगियों को बदल दिया। एक महीना पहले ही मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ को कोरोना हो गया। घर में 8 लोग हैं, सब डर गए। मुझे सीवियर आर्थराइटिस था एंड मैं डेली की 8 से 9 टैबलेट खाती थी। मुझे साइनस प्रॉब्लम था, बचपन से सफर हो रही थी। वेकिल आके मुझे मार दे, उस तो कैसा भी मुझे मरने का है, ऐसा सिचुएशन था मेरा। बट मुझे पूरा विश्वास था कि ध्यान में इतनी एनर्जी है, इतनी शक्ति है कि मुझे कोई टैबलेट की जरूरत नहीं होगी। बट जब से मैंने रेगुलर ध्यान चालू किया है, आज 9 मंथ्स हो गए, बट मैंने सिंगल टैबलेट नहीं ली है। केवल 1 महीने ध्यान करने के बाद में मुझे पूरा क्लियर हो गया। बहुत तकलीफ होते थे उतना थॉट से, फिर भी ऐसी बैठ के श्वास को देखे तो धीरे 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 थॉट्स पूरा क्लियर होने का वो मुझे महसूस हो गया। अच्छा है, बहुत अच्छा लगते थे, फिर जीने का मन लगते थे। ध्यान से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ये तीनों परिवर्तन होते हैं। देखिए, हम बैठे बैठे कहीं पर भी कभी भी ध्यान कर सकते हैं। योगा का मतलब क्या है, हम ये जानना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि योगा का मतलब है ध्यान। इस मन को, मन के विचारों को शून्य करें, शून्य रखें, तो उसी का नाम है योग। वही शास्त्र है योग शास्त्र, वही साधना है योग साधना, ध्यान ही योग है। सबको बताएंगे इंटरनेशनल योगा डे क्या होता है, इंटरनेशनल ध्यान डे होता है। आइए मिलकर जानते हैं योग का असली अर्थ। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट और पीएमसी हिंदी लाया है डिजिटल इंटरनेशनल योगा डे द्वितीय 21 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। रजिस्टर करें और बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ।